आज हम बाइबल से जिस पुस्तक का भाग सुना है निर्गमन पुस्तक के अध्याय तीन में वचन एक से ले के चौदह तक हमने पढ़ते हुए सुना था वहाँ एक महान व्यक्ति व्यक्ति के बारे में बताया गया है उसके जिंदगी में भी कई संघर्ष थे उसका नाम मूसा है ऐसा हमें बाइबल बताता है जब मूसा कहते हैं तो वो जल से निकाला गया था इसलिए उसका मूसा नाम रखा गया था जल से निकाला गया एक छोटा सा बच्चा शैतान जो है उस बच्चे का बचपन में ही नाश करने का प्रयत्न किया था तब अगर देखें तो फिरोन ने एक आज्ञा दी थी कि उस देश में जो छोटे बच्चे हैं उन सब को मार दिया जाए ऐसी आज्ञा दी थी तब भी मूसा पर परमेश्वर का हाथ था इसलिए उसे उस छोटे से बालक की परमेश्वर ने रक्षा करके उसकी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए ले जाना हम देख सकते हैं एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान अगर है तो उस मनुष्य के द्वारा जैसे भी हो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है ये जो मनुष्य मूसा है वो एक महान आदमी था परमेश्वर से यूज किया गया एक पात्र जी हाँ परमेश्वर ने उसका उपयोग किया था परमेश्वर को आमने सामने देखने वाला है ये मूसा इसराइली लोगों का नायक बना के परमेश्वर ने उसे तैयार करके सिद्ध करके उसका उपयोग करके लाखों जनों को उस मिस्र देश के दासत्व से कनान नामक दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में ले जाने के लिए यूज किया गया वो एक पात्र था। बाइबल में अगर देखेंगे तो पहले के पांच पुस्तक को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस महान मनुष्य मूसा के वजह से ही उसने वो पांच पुस्तक हमारे लिए ऐश्वर्य संपदा की तरह दिया गया है इस मूसा के जरिए परमेश्वर ने अनेक आश्चर्य कार्य करवाया है मूसा को लेकर एक बड़े महिमा भरे दीर्घदर्शी के रूप में परमेश्वर ने यूज़ किया है मूसा की तरह कोई भी दीर्घदर्शी परमेश्वर की प्रत्यक्षताओं को बहुत ही बाह्य रूप से प्रकट नहीं किया है इतना बड़ा महान दीर्घ दर्शी बताया जाता है इतने महान व्यक्ति मूसा के जीवन में उसने हार का अपने व्यक्तिगत जीवन में सामना किया था यह सोचने की बात है परमेश्वर से उपयोग किया गया पात्र परमेश्वर का सेवक लेकिन परमेश्वर ने उस पात्र को जिस तरह से उपयोग किया था जल्दी जल्दी अद्भुत कार्य करके उपयोग किया अधिक तरह उपयोग में लाया गया एक पात्र था लेकिन मूसा के व्यक्तिगत जीवन में अगर आप गौर करके देखेंगे तो उसने अपने ही जीवन में हार का सामना किया था धोखा खाया था परमेश्वर की कठिन सजा भी पाई ऐसा मैं कह सकती हूँ लेकिन इतने अद्भुत कार्य करने वाले एक महान मनुष्य ने किस लिए परमेश्वर से आखिरी पल में दूर किया गया था छुकराया गया था सजा दी परमेश्वर ने इस बात को हमें ज़रा सोच के देखना चाहिए हमारे जीवन के लिए उसे एक उदाहरण के तौर पे लेना होगा मेरा स्वभाव पता है कैसा है कोई भी मनुष्य पुरुष या स्त्री के पास अच्छे गुण जो होते हैं जो अच्छे काम हैं आदतें हैं उन्हें मैं सीखती थी उनका पीछा करने की इच्छा रखती अगर किसी के पास बुरा स्वभाव देखा तो उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए ऐसा सोचती थी मतलब ये मूसा जो है ये आदमी महान ही था एक तरफ देखा जाए तो हम सबको परमेश्वर मूसा की तरह सेवकाई दे तो अच्छा होगा ऐसा सोचते हैं लेकिन दूसरी तरह जिस तरह एक सिक्के का एक पैसे का रुपये का एक कॉइन के दो पहलू होते हैं एक तरफ हेड होता है तो दूसरी तरफ देखेंगे तो टेल होता है वो क्या है कि एक तरफ सिक्के की संख्या संख्या लिखी हुई होती है दूसरी तरफ वहाँ के सरकार की सील होती है उसी तरह एक मनुष्य के जीवन में भी दो पहलू होते हैं आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी दो पहलू होते हैं अच्छाई एक तरफ होती है तो बुराई दूसरी ओर होती है मतलब मूसा में भी एक ना एक तरफ उसमें भी कमियां गलतियां मतलब मूसा में भी एक न एक तरफ उसमें भी कमियां गलतियां करने के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन में उसने दे दी थी यही मूसा परमेश्वर से अधिक तरह उपयोग करने वाला पात्र होने के बावजूद महान व्यक्ति की तरह लाखों लोग जो मिस्र में दासत में फसे थे उन्हें वहां से कनान देश में पहुंचाने के लिए कई साल तक लगातार चलाते ले जाने के लिए प्रयोग में लाने के बावजूद मूसा ने अपने जीवन में एक निराशा का सामना किया था एक सजा थी, यही हम कह सकते हैं मूसा में जो अनेक बातें थी उससे परमेश्वर प्रेम रखता था एक दोस्त से जैसे बातें करते हैं वैसा आमने सामने बात की थी अधिक से अधिक उसके साथ दर्शन दिए लेकिन परमेश्वर को जो प्रे नहीं है वो एक बात थी मूसा के पास ये बात परमेश्वर जानता था मूसा ने उसकी परवाह किए बिना छोड़ दिया हमारे जीवन में भी हम हार का सामना करते हैं गरीबी का सामना करते हैं कभी कभार सजा भुगतनी पड़ती है उसी तरह जब ठुकराए जाते हैं तो हमें थोड़ी देर बैठ के सोचना चाहिए अपनी जांच लेनी चाहिए वे डिड आई गो रॉन्ग मैंने गलती कहाँ की थी मैं क्यों नीचे गिर गया हूँ किस लिए मुझे सज़ा मिली मुझे क्यों इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं ये बात हमको सोचनी चाहिए यही कि मैंने इस हार का सामना क्यों किया एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो हमें सोचने की आवश्यकता है मतलब उस महान व्यक्ति मूसा ने अपने जीवन में कुछ कार्य किए होंगे जो परमेश्वर को प्रे नहीं थे ये बात आप और मैं समझ पा रहे हैं परमेश्वर को जिससे द्वेष है ऐसा कार्य मूसा ने अवश्य किया होगा या फिर परमेश्वर जिनसे द्वेष करता है ऐसे कार्य मूसा ने अपने जीवन काल में अवश्य किया होगा उसी निमित्त मूसा ने आशीर्वाद खो दिया होगा ऐसा हम देख सकते हैं सजा को उसने भुगती होगी ये बात भी हम देख सकते हैं ऐसे कुछ कार्य मूसा के पास थे जिनसे परमेश्वर द्वेष करता है उन पर हमें गौर करना होगा उन्हें हमें समझना होगा ऐसे जो कार्य हैं वो अगर मेरे जीवन में आपके जीवन में हैं तो उन्हें हम सबको छोड़ देने का प्रयत्न करना चाहिए संसार के लोग कहते हैं जो जन्म से आई है वो शमशान तक रहता है मैं छोटी उम्र से ही मैं इसी तरह जब तक मर नहीं जाती ऐसे ही रहूँगी कहते हैं ना हम संसार के लोग नहीं हैं हम यीशु के बच्चे हैं परमेश्वर द्वारा प्रतिदिन सीख के चलाए जा रहे हैं इसलिए हम सब लोग मंदिर में आकर हर हफ्ते परमेश्वर की आलोचना को प्राप्त करते रहते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है हर हफ्ते रविवार को क्यों आते हैं परमेश्वर से सीखने के लिए वो हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमें एक लय में रखने के लिए हम आते हैं जब यहाँ आते हैं तो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को समर्पित कर देना चाहिए यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आए हैं जब यहाँ आते हैं तो पवित्र आत्मा को मुझसे बात करनी होगी मुझ में जो कमियां हैं उन्हें वो पहचान के दिखाना होगा उन्हें मैं सवार लूंगी कह के अपने आप को ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करने वाली एक पाठशाला जैसे हमें इन्हें अपनाना होगा मंदिर हमारे मंदिर में मैं हमेशा बताती हूँ मंदिर एक पाठशाला है विद्या का एक केंद्र है एक कॉलेज है एक एक विश्वविद्यालय है एक व्यक्ति को आकर देकर एक मनुष्य के आत्मा को रूप देने वाली एक एक विश्वविद्यालय है ये मंदिर हमारे अंदर जो कमियां हैं आत्मिक अनुसार से लोकानुसार हमारे जन्म के स्वभाव के साथ हमें बदलने वाला एक निवास स्थल ही परमेश्वर का निवास स्थल है ये मंदिर जी हाँ परमेश्वर के इस मंदिर में जब अंदर आते हैं तो उपदेश देने वाले सीख देने वाले सेवक दीर्घदर्शी इन सब के जरिए पवित्र आत्मा प्रकट होता है वो जो बातें कहते हैं वो परमेश्वर के वचन में प्रकट होते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा उस दास को ढक के पीछे करके वो आगे प्रगट होता है मतलब जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने बड़प्पन की नहीं सोचनी चाहिए हमारे होदे को नहीं देखना चाहिए हमारी पढ़ाई को या हमारे नाम को तारीफ़ को हमारी जो प्रशंसाएँ हैं उन्हें हम छोड़ देनी चाहिए छोड़कर जब परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो परमेश्वर को देख के कहना चाहिए प्रभु मेरा ये शरीर परमेश्वर का निवास स्थल मंदिर जैसा है इसके अंदर आके तू निवास करने के लिए मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी होगी तेरी जो इच्छा वो उसे करना होगा जो तू चाहता है उसे करना होगा तूने मुझे बनाया है मुझ में मेरे अंदर जहाँ जहाँ जो भी कमी है गलती की है मैंने उन सब को निकाल के मुझे ठीक कर दे मुझे पूरी तरह ठीक कर दे तो मुझे जैसे चाहता है वैसे मुझे बदल दे कहना चाहिए मतलब मूसा के पास तीन बातें दिखाई पड़ी उन्हें देखिए बाइबल में पवित्र आत्मा ने निकाल के दिखाया है मूसा के पास एक एक विचित्र बात थी वो कितना बड़ा लीडर था लाखों लोगों की अगुवाई करने वाले एक लीडर परमेश्वर का आमने सामने दर्शन करने वाला परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही वो उस पर्वत के सामने से वो परमेश्वर का बुलावा पाके जा रहा था भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने वाले को एक कटीली झाड़ी में जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं होती उस आग को जलती झाड़ी को देख के परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसे वहाँ ले जाता है वहाँ जब वो जाता है तो परमेश्वर का पहली बार उसे दर्शन करने का अवसर मिलता है ऐसा हम वचन में देख सकते हैं निर्गमन पुस्तक अध्याय तीन में वचन ग्यारह को अगर आप देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर यहोवा उससे बात करता है जी हाँ बात करता है हे मूसा हे मूसा कह के बुलाता है मूसा ने तब कहा क्या आ गया यहोवा कहता है मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होते है उसको भी मैंने सुना है इसलिए उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाने के लिए मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ तू जाके फिरौन से उन्हें छुड़ाकर एक अच्छे और बड़े देश में ले आता कि वो यहाँ आके यहोवा परमेश्वर यानी मेरी आराधना कर सके इस तरह जब परमेश्वर कटीली झाड़ी में से जब प्रकट होता है तो आप और मैं होते तो क्या करते लेकिन मूसा ने जो किया वो विचित्र था उस ग्यारहवें वचन में वो यहोवा से कहता है मैं कौन हूँ जो इसराइलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं कहता है मैं कौन हूँ हुए मई मैं कौन हूँ मुझे क्यों चुना है तूने ऐसा कह के मूसा का बहाना बनाना हम वचन में देखते हैं फिरौन के पास तो जब भेजूंगा कह के जब यहोवा ने कहा तू आ कह के यहोवा ने जब बुलाया तो यहाँ मूसा उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है उस बुलावे को ना मान के कहता है मैं कौन हूँ परमेश्वर कहता है अगर वचन तेरह को देखेंगे तो वो कहता है मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊँ कह के परमेश्वर से कहता है मेरे प्रियजनों अगर आप गौर करके देखेंगे तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा हमारे द्वारा कोई महान कार्य को इस धरती पर करवाने की इच्छा रखता है आपके लिए परमेश्वर ने एक कार्य को सिद्ध करके रखा है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं ये किसी और की सेवकाई है इसे कोई और करेगा कह के हम सब छोड़ दे रहे हैं नहीं मेरे प्रियजनों परमेश्वर ने आपको स्वयं चुना है जिस तरह मूसा को मिस्र देश से अपने प्रजा को छुड़ाने के लिए चुन के रखा था उसी तरह परमेश्वर आपको क्या किया है पता है आपको चुना है इस जगह पर आपको आशीर्वाद देने के लिए आपका उपयोग करने के लिए आपके द्वारा आत्माओं को परमेश्वर के पास ले आने के लिए परमेश्वर आपका उपयोग करने की इच्छा रखता है लेकिन हम क्या सोचते हैं मैं कौन हूँ परमेश्वर मूसा कहता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ मैं तो मुँह और जीभ का बद्धा हूँ मुंह और जीप का बद्दा कहने लगा हमारी जिंदगी अगर आप गौर करके देखें तो मैं तकरीबन बीस सालों से इस सेविकाई में प्रभु के अनुग्रह से हूँ लेकिन इस सेविकाई में आने से पहले बारह साल तक परमेश्वर मुझे बुलाता ही रहा चाहे कोई भी परमेश्वर का जन मेरे लिए प्रार्थना करते तो मैं अपने जीवन में वो लोग जब मेरे लिए प्रार्थना करते या सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते तो मुझ पे के पवित्र आत्मा उतर के आता और परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखे हैं उन्हें प्रकट करता उसने कहा था कि मैं तुझे एक सेविका की तरह उपयोग करूंगा मैं जिस तरह सारा हसी थी उसी तरह मैं भी हंस के रह गई मैं एक माइक को देख के डरने वाली मैं लोगों की भीड़ देख के चुप जाने वाली मैं सेवकाई करूँगी ऐसा कहने वाली मैं एकदम डरपोक थी शर्मिली थी लेकिन परमेश्वर के बुलावा को मैं स्वीकार नहीं कर सकी बारह साल ट्वेल्व लॉन्ग ईयर्स मेरा पीछा करता ही रहा मैंने कहा परमेश्वर मैं पैसे दे दूंगी मैं एक डरपोक स्त्री हूँ मुझे इस माइक को देखने से ही डर लगता है इसके आगे खड़े होकर बात करना लोगों को देखना बहुत डर लगता है मैं गाना नहीं गा सकती हिंदी नहीं जानती मुझे हिंदी में बात करना नहीं आता मैंने अंग्रेज़ी में ही बाइबल को पढ़ा है इसलिए ये सब कुछ नहीं जानती इट्स नॉट मी लॉट मैं नहीं प्रभु आप किसी और को चुन लीजिए ऐसा मैंने बारह साल परमेश्वर से कहती रही जब भी बुलाता वो नहीं आऊंगी कह देती सेवकाई के लिए बुलाया तो भी कह देती नहीं आपको पता है उसके बाद एक बीमारी के जरिए मुझे उसमें फंसा दिया फंसा के कल या परसों मेरा ऑपरेशन होने वाला था पता है यूट्रस को निकालने का एक संदर्भ आया ऐसी नाजुक मोड पे जब आई थी तो परमेश्वर के समूह के बीच जाके डरते हुए बैठ के बोली परमेश्वर मैं एक वादा करती हूँ चाकू मेरे शरीर पर अगर ना पड़े तो मैं तेरे लिए सेवा करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तेरी सेवकाई करूँगी लेकिन मुझ पे चाकू नहीं पड़नी चाहिए ऑपरेशन की नौबत नहीं आनी चाहिए कह के एक वादे से परमेश्वर की सेवकाई में आई थी साल 2003 जनवरी एक तारीख को परमेश्वर के हाथों में मैंने अपना जीवन समर्पित करके ये लो तेरी सेविका कह के अपने आप को समर्पित करके प्रभु के सानिध्य में जब मैंने सर झुकाया तो उसने मेरा उपयोग किया मेरा डरने का स्वभाव न जाने कहाँ चला गया चाहे जितने भी लाखों लोग क्यों न हो मैं उनके सामने खड़े होकर उन लोगों को फेस करने की मुझ में शक्ति आ गई माइक को देकर थर थर कांप जाती थी ऐसी थी मैं तो परमेश्वर ने मुझे कई लाख लोगों के लिए आशीर्वाद का पात्र बना के परमेश्वर ने यूज़ किया ये ऐसा ही मूसा का भी स्वभाव था आपके पास भी ऐसा स्वभाव होगा कम हांकने की मनस्थिति मूसा में भरपूर था अपने आप को संभाल नहीं सका ये तुम्हारा सेवक कह के नहीं बता सका यह को ही वो बार बार रिप्लाई दे रहा था जवाब दे रहा था मैं कौन हूँ परमेश्वर मैं तो मुँह और जीभ का बद्दा हूँ मेरी जीभ बद्दा है परमेश्वर कह के मूसा ने कमजोर स्वभाव को प्रकट कर रहा था आप एक बात को गौर कीजिए मनुष्य के अंदर झुकने का स्वभाव होना चाहिए समर्पित होने की हम्बलनेस हमारे अंदर ऐसा स्वभाव हो सकता है लेकिन मनुष्य के अंदर कम हांकने का स्वभाव नहीं होना चाहिए इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुतों में होती है बहुतों में होती है वो मुझसे बहुत बड़े हैं वो मुझसे अधिक जानते हैं वो लोग मुझसे अधिक परमेश्वर कई तरह से यूज़ करता है ये बात नहीं है सारे मनुष्य को जिन्हें परमेश्वर ने सृष्टि की है उन सबको एक मुख्यत्व होता है आपकी सृष्टि की है इसका एक मुख्यत्व है आपके द्वारा किसी की रक्षा करने वाला है आपके द्वारा असाधारण कार्य परमेश्वर करने वाला है शायद आप सोचते होंगे मैं एक मामूली सा आदमी हूँ ऐसा आपके अंदर एक सोच है लेकिन देखिए आज आप पवित्र आत्मा के बात करने की आवाज सुन रहे हैं आज के दिन आप लोग आपको एक निर्णय के साथ वापस जाना होगा परमेश्वर ये रहा तेरा सेवक कह के समर्पित हो जाइए बस गॉड लव एन ओबीडियंट स्टूडेंट एक टीचर को जिस तरह एक विधेयक विद्यार्थी पसंद होता है उसी तरह पिता भी एक सरेंडर होने वाला पुरुष या स्त्री की आशा रखता है मतलब आज आप कहिए पिता मैं तेरे लिए आऊंगा। तू मुझे जिस तरह यूज करना चाहता है उस तरह मुझे यूज कर ले कह के अपने आप को समर्पित कीजिए आज हमने एक अच्छी बात को सुनी है अब हम सर झुका के आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे पिता हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनकर फल भी देगा पवित्र राजा इस अच्छे समय में आपने जो वचन कही उनके लिए तेरी स्तुति करते हैं पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ छुटकारा है अब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट हुए हैं अपने वचन द्वारा हम पर प्रकट हुए हैं तेरे वचन के द्वारा ही पिता तूने चंगाई सहद की आज्ञा देने की प्रार्थना कर रहे हैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग मिलकर तेरे सानिध्य में आंसू बहा रहे हैं दुख के भार से बैठे हुए हैं वेदना के साथ बैठे हैं व्याकुल जो हैं पिता परमेश्वर उनके संघर्ष भरे जीवन में एक समाधान तो लेकर आए बीमारियों से एक छुटकारा मिले पिता तेरे हाथ ने तूने ये किया है ऐसा कह के पिता ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है कह के गवाही बन के तेरे नाम को महिमा देने जैसे एक अद्भुत कार्य करने की प्रार्थना कर रही हूँ पिता बीमार लोगों पर तेरी महिमा उतर के आए उनकी बीमारी के बिस्तर बदल देने की मैं प्रार्थना कर रही हूँ से बोने वालों के लिए एक गंभीर फसल पिता देगा इसकी प्रार्थना कर रही हूँ परिवार में जिस शांति की कमी है उस शांति समाधान को उस परिवार में वो खुलेगा इसकी विनती कर रही हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा कहा था तुने और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा कह के कहने वाले परमेश्वर की ओर देख रहे हैं हम ऐसे परिवार राजा संघर्ष के साथ जीने वाले परिवार में भयंकर शैतान की आत्माएं यीशु के नाम में अभी शापित होकर पाताल में फेंक दिया जाए इसकी प्रार्थना कर रही हूं सारी महिमा तेरे ही नाम को मिले यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं अद्भुत कार्य पा रहे हैं हमारे अच्छे पिता आमीन प्यारे साथियों बहन नलनी विल्सन का विनयाड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए कलिसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं जगह विनयाड सेवकाई मंदवली बस डिपो के पास कनाल बैंक रोड मंदवली चेन्नई ट्वेंटी अधिक जानकारी के लिए नौ नौ दो दो तीन 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 डबल नाइन सिक्स टू सिक्स टू डबल थ्री डबल थ्री कॉल करें बहन नलनी विल्सन का विनिया सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं प्रत्यक्ष आने वाले नंबर सात साउथ कैनाल बैंक रोड मंदवली बस डिपो के पास में मंदवली चेन्नई अट्ठाईस पर आए ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए नौ नौ छे दो, छे दो, तीन 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 तीन, तीन कॉल करें open for 2023 24 call 9962820000 st johns senior secondary school cbsc mandaveli chennai 28